हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मा क्रिएटर। आज हम बात करने वाले हैं जीरोडॉल टैबलेट्स के बारे में। ये इस तरह के बॉक्स में पाए जाते हैं। इस बॉक्स में 10 स्ट्रिप्स है और हर स्ट्रिप पे 10 टैबलेट्स है। इसे इप्का लैबोरेटरीज ने मैन्युफैक्चर किया है। ये मेड इन इंडिया टैबलेट है। इसके स्ट्रिप इस तरह के है। एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स है और इसका प्राइस जो है वो 46 रुपीज़ है। अब हम इसके कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। तो इसमें सिंगल कंटेंट है एसिक्लोफिनैक, वो 100 mg की मात्रा में है। और इस टैबलेट्स का कलर फेरिक ऑक्साइड रेड है। इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे। ये आर्थराइटिस के लिए यूज़ की जाती है और साथ ही एसिक्लोफिनैक जो है वो पेन किलर है, तो वो सभी तरह के दर्द दूर करता है, जैसे कि जोड़ों का दर्द, घुटनों में दर्द, कमर दर्द, सिर दर्द, इन सभी दर्द को दूर करने का काम ये करता है। ये जो टैबलेट्स है ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड दवाई है, यानी कि हम डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अलावा इसे ऐसे ही नहीं खरीद सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स है डिजीनेस, ड्राउजीनेस, एब्डोमिनल पेन एट्सेट्रा। इसके प्रिकॉशंस के बारे में बात करेंगे। तो आप इस टैबलेट को ब्रेक करके नहीं खा सकते, आपको पूरी टैबलेट खानी है। और प्रेगनेंसी में ये टैबलेट नहीं खानी है, ये अनसेफ होगा। और आप इस टैबलेट को कंज्यूम करते वक्त अल्कोहल का कंजम्पशन बिल्कुल मत कीजिए, इससे ड्राउजीनेस बढ़ जाता है, इससे आपको पेट दर्द के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और आपको अगर हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर को पहले ही बता दीजिए। आपको ये टैबलेट्स खाली पेट नहीं लेनी है। इस टैबलेट को खाने से पहले आप कुछ ना कुछ खा लीजिए। इसे खाने के बाद आपको ड्राइविंग नहीं करनी है। किसी भी टैबलेट्स को खाते वक्त दो डोसेज के बीच में 8 घंटे का अंतर ज़रूर रखिए। ये थी इस टैबलेट्स के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। थैंक यू।